ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੰਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਟੱਕਿਆ ਬਿਗ ਸਟੈਪਰ हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल कैफ में। सो दोस्तों, आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोग अलाइड मोशन से पेज कर ले वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम लोग पेज कर ले वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, यानी कि पेज इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बस आप लोग करने के वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोग के समझ में नहीं आएगा। जैसे कि दोस्तों, आप लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स पर देखते होंगे कि इस तरह की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा बहुत आसान तरीका कि आज हम लोग इस तरह की वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बराबर में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी एडिटिंग वीडियो टिप्स आप लोगों तक मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। पिक्सेल ऐप ओपन करना है, उसके सामने आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इस जो न्यू टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप लोगों को इस चीज़ को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को डिलीट करता हूँ एंड आपको देखता हूँ यहाँ पर आप क्या करना है। आपको यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखता होगा, तो आप लोग इस पर टैप करना है एंड यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है एंड यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पर टैप कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इसे हटा देना है। मैंने एक शायरी जो है वो लिख के रखी थी, तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ वाली। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसी की दिखा, पेस्ट नहीं हो रहा, ये हो गया पेस्ट हमारा। इसके बाद ओके कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसका साइज़ जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट जो है हम कुछ मतलब बोल्ड टाइप का रखते हैं, जैसे मोटे टाइप का रखते हैं, तो हम इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि ये रहा, ये फॉन्ट बिल्कुल एकदम ओके लग रहा है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कलर वाले ऑप्शन पर चले जाना है। ये रहा कलर वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हम इस पर टैप करते हैं एंड इस पर टैप करने के बाद हमें क्या करना है, नीचे की साइड देखते हो आप लोग सब कुछ दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले इसका सारा जो मतलब जितनी शायरी लिखी है हमारी उसे पूरे ब्लैक कर लेना है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मतलब जो चीज़ हमारी है कुछ अलग दिखाना है, इसे इतिहास वगैरह, इसमें इतिहास अलग दिख रहा है तो हमें इसे इतिहास को लाल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लाल। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर की साइड में जाना है एंड यहाँ पर जो है ऊपर वाला जो इतिहास है वो भी हम लाल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, इसे यस कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर टैप करना है एंड यहाँ पर जो है थोड़ा सा आगे आते हैं एंड यहाँ पर स्टाइल वाला आपको ऑप्शन दिख जाता होगा, ये रहा स्टाइल वाला ऑप्शन। तो आपको स्टाइल वाले पर टैप करना है एंड यहाँ पर बी वाले पर टैप कर देना ताकि हमारा फॉन्ट जो है वो बोल्ड हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर इसे हटा देना है, फिर यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है एंड यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पर जाना है एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर इसे हटा देना है और यहाँ पर आपको इमोजी ले लेना है। तो इमोजी आप लोग थोड़ी सी डेंजरस वाली ले लीजिए, गुस्से वाली ले लीजिएगा। तो जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, ये रही इस तरह की इमोजीज ले लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, सॉरी इसे मैं सेंटर में लाता हूँ, तो मैं इस पर टैप करता हूँ एंड यहाँ पर सेंटर पे इसे ले आता हूँ इस टाइप से। ठीक है, अब इसे हम इसे सीधा टैप कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका साइज़ जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है एंड यहाँ पर आना है। और दोस्तों, जो मैं इसमें फॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा फॉन्ट लेना, iOS 14। ठीक है, तो हम इससे फॉन्ट को ये ले लेते हैं एंड इसका साइज़ जो है अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, मतलब जितना अच्छा लगे मैं उतना इसे कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद आप लोग करना क्या है, यहाँ पर थ्री वाले आइकन पर टैप करना है, ये रहा ये आइकन रखा, इस पर टैप करना है एंड यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन दिखता होगा, ये रहा सेकंड नंबर पर, तो आप लोग इस पर टैप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर सेव वाले आइकन पर टैप करना है एंड सेव एज इमेज कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पर अल्ट्रा पर टैप करना है एंड अल्ट्रा पर करके सेव टू गैलरी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे काट देना एंड हम अपना लाइट मोशन ओपन कर लेते हैं। तो मैं दोस्तों, लाइट मोशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आप लोग करना क्या, प्लस वाले आइकन पर टैप करना है एंड यहाँ पर 9.16 का रेशियो लेना है, ये रहा बीच में सेकंड वाला। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, कलर में यहाँ पर लाइट ग्रे लेना है, लाइट ग्रे के अलावा कोई सा कलर नहीं लेना है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग करना क्या है, आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर टैप करना है एंड प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद आपको मीडिया पर जाना है। ठीक है दोस्तों, और आपको यहाँ पे एक फोटो ले लेना है एटीट्यूड वाला, जैसे कि मैं आपको, अगर ये फोटो चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसे कुछ इस तरह से इस साइज से लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर टैप करना है एंड मीडिया पर जाना है। अभी हमने जो पिक्सेल ऐप से वो बनाई थी PNG, तो वो हम ले लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके साथ नीचे की साइड लेके आते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, हम इस प्रकार से इसे ले आए हैं।
उसके बाद हमें क्या करना है, फोटो जो हमारा उस पर टैप करना है, इफेक्ट्स पे जाना है एंड यहाँ पर एड इफेक्ट वाला ऑप्शन ये रहा दिखता होगा, इस पर टैप करते हैं एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, पेज कर्व वाला ऑप्शन सर्च करना है, यहाँ पर सर्च पे जाना है एंड यहाँ पर पी ए दबाना है एंड जी पेज लिख दिएगा आप, ठीक है। तो आपको पेज कर्व वाला एक इफेक्ट्स दिख जाएगा, आप लोग उस पर टैप करना है, उस पर टैप करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से इसे जो है इसे फोल्ड कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये रहा हमारा कुछ इस प्रकार से, हम यहाँ पे एक प्लस आइकन लगाते हैं, ठीक है, और लास्ट में जाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने प्रोग्रेस जो करी थी वो हम कभी ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, ज़ीरो नहीं मतलब थोड़ी सी इतनी रख लेते हैं, मतलब ज़ीरो ही कर लो लगभग लगभग, ठीक है, इतनी कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा ये काम हो गया ख़त्म, देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा फ़ोटो कर लो होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस भी टैप करना है फोटो पे एंड इफेक्ट्स पे जाना है, इफेक्ट्स पे जाने के बाद एड इफेक्ट्स करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है क्या कहते हैं उसका नाम, वेब रैप, WAVE, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सर्च कर देगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आप लोग स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप कर देना है एंड यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को वेब रैप पर टैप करना है एंड यहाँ पर एक प्लस यहाँ पर लगाना है, ठीक है, और एक प्लस यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 1.50 रख लिएगा, ठीक है, 1.50, तो मैंने 1.50 रख लिया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एंगल वाला ऑप्शन छोड़ देना है एंड यहाँ पे स्पेसिंग वाला जो ऑप्शन है वो हमें लेके आना है और शुरू में आ जाना है। तो स्पेसिंग हम कितनी करते हैं, चार कर लेते हैं लगभग लगभग चार, देखिए जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं चार, चार कर लिए हम लोगों ने, चार हमने कर लिए। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट हम लिख लेते हैं तीन, ठीक है, तो मैग्नेट हमारी हो गई है तीन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे नीचे आना है, नीचे की साइड में अगर आप लोगों को पेज कर ले इस पर भी करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वेब रैप पे जाना है एंड तो यहाँ पर थ्री डॉट वाला ऑप्शन दिखता होगा, इस पर टैप करना है एंड यहाँ पर कॉपी इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है ये रहा, तो आप लोगों को इस पर टैप कर देना है, ठीक है। तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ एंड क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर नीचे की साइड आना है, पीछे की साइड एंड यहाँ पर जो शायरी हमारी लिखी है उस पर टैप करना है एंड इफेक्ट्स पर जाना है एंड यहाँ थ्री डॉट पर टैप करना है एंड यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। तो हमारी शायरी देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें म्यूज़िक लेना है, तो हम यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर टैप करते हैं एंड यहाँ पर हम ऑडियो लेते हैं, ऑडियो लेने के बाद हमें प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, तो हमारी ऑडियो जो है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 सेकंड का म्यूज़िक लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है आप जितना भी ले लें, लेकिन मुझे जो है 10 ही सेकंड का लेना है, तो मैं यहाँ पर 10 सेकंड का ले लेता हूँ एंड यहाँ पर इस पर टैप कर, म्यूज़िक पर टैप करने के बाद म्यूज़िक जो है मैं बंद कर देता हूँ वरना कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम लास्ट में आ जाते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे ऊपर वाली लेयर पर टैप करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, टाइम वाला ऑप्शन ये दिख रहा है, इस पर टैप करना है और हमें टाइम जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ के लिए लेके आना है, ठीक है, आगे के साइड में, तो हमारा कुछ आगे के लिए निकल गया, तो हमें क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, ठीक है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया, उसके बाद करना है थर्ड लेयर पर टैप करना है एंड यहाँ पर टाइम वाले ऑप्शन पर जाना है, इसे हम कुछ इस प्रकार से लेके आते हैं, तो ये जैसे कि आगे निकल गया बहुत ज़्यादा, तो हम इसी वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं तो हमारा कभी फिट आ जाएगा, तो हम इस पर टैप कर देते हैं। अब हमारी वीडियो देखिए कुछ इस प्रकार से बनती है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारी वीडियो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बन गई है। अब आप लोग करने के, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी इफेक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया था और इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इफेक्ट्स का, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर टैप करे रहना एंड यहाँ पर तीनों लेयर्स को ले लेना एंड यहाँ पर डिब्बे वाले आइकन पर टैप करना है एंड यहाँ पर कॉपी लेयर का दिखता होगा तो कॉपी लेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से बैक चले जाते हैं, ठीक है। बैक होने के बाद क्या करना है, आप लोगों को उसी प्रोजेक्ट पर जाना है एंड यहाँ पर आपको डिब्बे वाले आइकन पर टैप करना है एंड यहाँ पर पेस्ट लेयर कर देना है, ठीक है। तो हमारी कुछ लेयर जो है वो कुछ इस टाइप से दिखने लगी। अब हमें क्या करना है, लास्ट में जाना है, इसे टैप करे रहना है इस प्रकार से और यहाँ पर ये वाला आइकन दिखता होगा, आप लोगों को इस पर टैप कर देना है, हमारी लेयर जो है कुछ इसी के बराबर आ जाएगी। हमारी देखिए कितनी ऑसम लग रही है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा, बराबर बेल आइकन को प्रेस कर देगा ताकि हमारी ऐसी एडिटिंग वीडियो टिप्स आप लोगों तक मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और दोस्तों अगर आपको कोई भी वीडियो एडिट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप लोग मुझसे सोल्यूशन ले लिएगा, व्हाट्सअप पर तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं और अगली वीडियो में मिलेंगे।